अभी मैं हूँ घांगरिया में और आज मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी का। और घांगरिया में बना है एक ये गुरुद्वारा, यहाँ पे आप रुक भी सकते हो। अगर आपको अपना लगेज यहाँ पे रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अभी मैं और किंचुक भाई निकल रहे हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन श्री हेमकुंड साहिब जी, और आज हम करेंगे वहाँ का ट्रैक और शाम होते होते हम रिटर्न होंगे आज गोविंद घाट के लिए, क्योंकि हमको कल सुबह हरिद्वार के लिए बस पकड़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। ये है घांगरिया का घोड़ा पड़ाव, यहाँ से आप श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए घोड़ा ले सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, जब हम लास्ट वीडियो में हम वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करा था तो वहाँ आप घोड़ा नहीं ले जा सकते, वहाँ से पिट्ठू जाते हैं, लेकिन श्री हेमकुंड साहिब जी में पिट्ठू भी जाता है और घोड़े भी जाते हैं। तो आप यहाँ से घोड़ा भी ले सकते हैं और जो लोग चलने में असमर्थ हैं वो घोड़े से जा सकते हैं। फुलना नहीं आज गोविंद घाट, हाँ वहाँ तो गाड़ी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी, जो कि है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा। अभी हमें घांगरिया में अपने होटल से बस चेकआउट करके अभी जा रहे हैं घांगरिया की तरफ, फिर उसके बाद आज हमें इवनिंग तक निकलना है गोविंद घाट। सो बने रहें आप वीडियो में, कराएंगे आज आपको गुरु गोविंद सिंह जी के हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और ये प्यारे से वाटरफॉल और रिवर क्रॉसिंग टूवर्ड्स श्री हेमकुंड साहिब जी। 6 किलोमीटर है घांगरिया से। सो लेट्स कंटिन्यू ट्रैक। रोज चल ही रहा है बस, वही तो। ये है चेक पोस्ट, दिस वे इज गोइंग टू द वैली ऑफ फ्लावर कवर ऑन लास्ट वीडियो एंड दिस स्ट्रेट वे टू गो टू द श्री हेमकुंड साहिब जी। ये जाता है फूलों की घाटी की तरफ रास्ता, ये है 4 किलोमीटर और ये वाला रास्ता जाता है श्री हेमकुंड साहिब जी। सो डोंट गो स्ट्रेट, गो zigzag मूड। सो दिस इज घांगरिया एंड द वेदर इज गुड एट टाइम, और आपको दिखेंगे ये प्यारे प्यारे से झरने। और ये रास्ता हमको कुछ घंटों के बाद गुरु के दरबार में पहुंचा देगा। सो घांगरिया से जो श्री हेमकुंड साहिब जी की डिस्टेंस है वो है 6 से 7 किलोमीटर की है डिस्टेंस बचती है, और चढ़ाई भी है इसमें, मैक्सिमम चढ़ाई है। सो आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे अगर आप चलने वाले हैं तो, और वहाँ पर भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो शाम तक आपको घांगरिया वापस आना ही आना पड़ेगा। सो जब आप वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करते हैं उसके नेक्स्ट डे आप हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक करते हैं, यहाँ पर रास्ते में आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी और वैली ऑफ फ्लावर के जैसे ही हल्के हल्के आपको यहाँ पे फ्लावर भी मिलेंगे जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। तो पूरे रास्ते में आपको ऐसे फ्लावर मिलते रहेंगे, और जो है रास्ते में ही आपको यहाँ पर हेमकुंड साहिब जी के ट्रैक में खाने पीने की शॉप्स भी मिल जाएंगी, आप चाय बिस्किट कुछ भी खा सकते हैं। सो इसके साथ ही जो सुबह सुबह का मौसम है वो भी बहुत खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि कल रात को भी बारिश हुई थी यहाँ पर, और ग्रीनरी देखो यार आप, नेचर अपने पीक पर है ग्रीनरी के मामले में, क्योंकि मानसून भी अपने
पीक पर है और बहुत सारे फ्लावर भी खिले हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है इधर। सो ये है पूरा ट्रैक जो है हेमकुंड साहिब जी का, आपको दिखाऊंगा और पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा पूरा गुरुद्वारे तक। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये रास्ता भी वैसे ही खूबसूरत है जैसे आपने फूलों की घाटी वाला जो ब्लॉग था वो देखा है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लेना क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो ब्लॉग देखकर भी। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी की तरफ। और सुबह सुबह का मौसम यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, पूरे बादल लगे हुए हैं क्योंकि आजकल और ये अगस्त का मंथ है और पहाड़ों में बारिश होती रह रही है। सो कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये है रास्ता और चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो धीरे धीरे चलते हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन श्री हेमकुंड साहिब जी की। कितने की है? कोका कोला छोटी वाली गजब ठीक है। कितने की है छोले के? जमीन वालों को नजर नहीं आने बीच में डिवाइडर लगा रहे हैं। अभी 2 घंटे हो गए थे हमको ट्रैक करते करते और हमने
आधा रास्ता तय कर लिया था और अभी और बचा था थोड़ा। और नज़ारे देखो यार, नज़ारों को एंजॉय करते करते हम अपना ट्रैक कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह ट्रैक करने में अच्छा लगता है, ज़्यादा धूप भी नहीं रहती, वरना फिर दिन में आपको पसीना वगैरह आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। हालांकि ये हिमालयी क्षेत्र है लेकिन आप जब ट्रैक करते हो तो बॉडी हीट होती है और उससे ज़्यादा फिर गर्मी होती है और पसीना निकलता है। तो सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, तो इन्वायरमेंट अभी थोड़ा ठंडा है तो ट्रैक करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही। और ये देखो यार, अभी देखो मौसम का यहाँ कोई भरोसा नहीं रहता। अभी सुबह सुबह के टाइम पे पूरा साफ था और लेकिन अभी पूरे बादल लग चुके हैं। और फ्लावर देखो आप, इस वाली जो ट्रैक है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर में आपको बहुत सारे फ्लावर मिल रहे थे ट्रैक में, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे और यहाँ पे आपको ब्रह्म कमल भी मिलेगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ब्रह्म कमल मिलता है जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है और बहुत सारे टिपिकल टाइप के फ्लावर भी यहाँ पे मिल रहे थे जो वैली ऑफ फ्लावर में हमको देखने को नहीं मिला, जैसे कि ये वाला एक फ्लावर, ये भी हमको वैली ऑफ फ्लावर में देखने को नहीं मिला और ब्रह्म कमल भी हमको वहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि वहाँ होता है बट हमें देखने को मिला नहीं। और रास्ते में आपको ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी मिल जाएगा, ये देखो आप, और ऊपर देखो ग्लेशियर, ये रहा इतना बड़ा ग्लेशियर, ये हेमकुंड साहिब जी वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा। और आजकल मानसून भी अपने पीक पे है तो रास्ता भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, रास्ते की भी मरम्मत चल रही है। सो धीरे धीरे चलते हैं, अभी हमको और ट्रैक करना है थोड़ा सा, चलते हैं हेमकुंड साहिब जी की तरफ। बना दिए मैंने, हाँ प्यारा है।
ਆਏ ਬਣ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥੇ ਛੁੱਟੈ ਗਰਭ ਘਬਾਨਾ ਪੜਤੇ ਹੁੰਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰਾਤ ਮਣਕੀ ਮੈਂ ਨਸੰਤੇ ਜਾਤ। ਸੋ 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक और 3 से 4 घंटे ट्रैक करने के बाद फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के वहां पे। यहां पे देखो आप, सबसे पहले यहां पे सर ढकना ज़रूरी है, तो यहां पे मैंने सबसे पहले जो यहां पे थे उन्होंने मेरा सर जो था वो ढका, और जो ये बातें हैं सर पे गुरुद्वारे में आप नंगे सर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर ये है, आप इससे बात के जा सकते हैं। सो अभी हम पहुंच रहे हैं गुरुद्वारे के भीतर जाएंगे, और ये देखो अब कुछ ऐसा है हेमकुंड साहिब जी, यहाँ पे ये है जो मेन गुरुद्वारा है, ये वाला है, काफ़ी सुंदर सा सुंदर ये जगह है। और यहाँ पे एक जो है झील वो भी है, और लक्ष्मण जी का भी एक मंदिर है, और ब्रह्म कमल भी यहाँ पे लगे हुए थे। देखो ब्रह्म कमल भी लगे हैं यहाँ पे, इतने ही सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, और पानी एकदम साफ स्वच्छ है, आप इसमें नहा भी सकते हैं, नहाना इसमें अलाव है, सो आप इसमें नहा भी सकते हैं। मैं तो नहीं नहाऊंगा क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। और ये देखो आप यहाँ पे आप नहा सकते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। देखो और कितने सारे ब्रह्म कमल लगे हैं पूरे लाइन वाली हेमकुंड साहिब झील पे, पूरे जो हैं वो ब्रह्म कमल लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और पूरा एकदम साफ एंड स्वच्छ पानी है हेमकुंड साहिब जी का, इसकी सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे गुरुद्वारे के अंदर, और फिर उसके बाद शाम मतलब 1-2 घंटा यहाँ पे और घूमने के बाद फिर हम जाएंगे लक्ष्मण जी के मंदिर पे, जो सामने आपको दिख रहा है वो ऑरेंज कलर का वही है लोकपाल लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वो है, माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो उनका यह भी यहाँ पे मंदिर है लक्ष्मण जी का, और ये बड़ी सी झील यहाँ पे है। सो अभी थोड़ा देर यहाँ पे घूमते हैं, और देखो कितना सारा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा यहाँ पे घूमते हैं, उसके बाद जाएंगे लक्ष्मण जी के मंदिर की तरफ। सो अभी हमने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के भी दर्शन कर लिए हैं, और लक्ष्मण जी का जो यहाँ पे मंदिर है उसके भी दर्शन कर लिए हैं, और ये है प्यारी सी हेमकुंड झील। और अभी टाइम भी हो गया हमारे रिटर्न होने का, अब हम रिटर्न होते हैं टुवर्ड्स घांगरिया। देखो ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, और अभी थोड़ा मौसम भी अब ख़राब होने लग गया, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है, और यहाँ पे जो है फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, बट हमने थोड़ी सी देखा और फिर यहाँ पे और लोग भी फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमने भी कुछ फ़ोटोज़ खींचे यहाँ पर, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं तो 1-2 फ़ोटो तो खींचनी ही चाहिए। बस यही था आज का ब्लॉग, और मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बाय बाय, और वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु दी फतेह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।